अस्सलाम वालेकुम, गुज्जर फार्मिंग में सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। अच्छा जी, तकरीबन ये जो कीकर लगी है इनका 6 महीने से, तकरीबन 6 मंथ से ऊपर टाइम हो गया है और कुछ दिन ऊपर हो गए और मैक्सिमम और तकरीबन 6 मंथ हो गए। तो इसमें मैंने कैनोला हाइब्रिड लगाया ताकि जो कुकिंग ऑयल वगैरह जो है ना घर का बन जाए। तकरीबन उम्मीद है कि 30-40 लीटर मैं निकाल लूँगा यहाँ से। डॉक्टर साहब हैं कि हमारे PhD जर्मन से करके आए हुए प्लांटिंग के बारे में, तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि वीडियो अपलोड हो। और काफ़ी बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि जो है ना आप वीडियो अपलोड करें, अपडेट दें, क्या सिचुएशन चल रही है फार्म की। तो ये सारी पोजीशन है आपके सामने है सब दोस्तों की। इसमें सर एक दो दोस्त मेरे आए हुए थे, विजिट करने के लिए भी आए हुए थे और उन्होंने भी देख रहा था। मैंने कहा चलो वीडियो जो है बना के ताकि यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँ ताकि बाकी सारे दोस्त देख लें। प्लांट बिल्कुल अलहमदिल्ला ठीक खड़े हैं। बीच में कुछ जो प्लांट्स हैं वो मतलब डैमेज नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन पर कोरे का अटैक, आस्ता आस्ता वो, ये वैसे भी खजा का मौसम आ रहा है, ये सारे उनके जो है ना पत्ते वगैरह गिर जाएंगे। एक दफ़ा ये प्रॉपर नंगे हो जाएंगे, और ये प्रॉपर मतलब पंजाबी कह रहे नंगे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, फिर बाहर आएगा, फिर नई इनकी जो है ना शाखें निकलेंगी। तो ये सारी पोजीशन है सर। तकरीबन मोस्टली प्लांट 6 फुट से भी ऊपर हो रहे हैं। ये 6 मंथ का सारा रिजल्ट है। और कुछ लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी खाद डाली है, क्या किया, ऐसा फार्मूला लगाया। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भिंडी लगाई थी इसके अंदर अगस्त में ना, तो उस वक्त मैंने DAP और यूरिया का 10-10 KG मैंने 4 कनाल के अंदर जो है ना मैंने फ्लड की थी। इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जो अल्लाह ने चाहा, जो नसीब में हुआ, तो मार्च में इनके नैनो के अंदर लेमन के प्लांट मैंने लगाने हैं। फाइनली लेमन मैंने लगाना है। बाकी ये जो साथ पड़ी हुई जगह खाली पड़ी हुई है, इंशाल्लाह यहाँ पे भी मेरा उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक जाके यहाँ पे भी 4 कनाल पे भी बाकी प्लांट लगा दूंगा। तो ये सारी सिचुएशन प्लांट्स की चल रही है। बाकी आप वीडियो सारे देखें, एंजॉय करें, और मैंने हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरफ से बनाई है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी। और जिस भाई जो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो कीकर फार्मिंग के बारे में, तो उनके लिए ये है कि जो जब मैंने प्लांट लगाए थे तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, कैसे ज़मीन की तैयारी प्रॉपर मैंने भी सब दोस्तों से शेयर की है। तो आप वो मेरी ओल्ड वीडियोस में जाके तो जो है ना इनकी प्लांटिंग चेक कर सकते हैं। डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया है और सारी डिटेल मैंने दी हुई है। तो कैंडी वहाँ जो न्यू मेंबर्स हैं वो देख के चेक कर सकते हैं। और जिस भाई का दिल कहता वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका दिल नहीं कहता वो ना करें। नो टेंशन, बस खुश रहें, सलामत रहें और दुआओं में याद रखें। मेहरबान, थैंक यू सो मच।
स्पेस है। ਕਿਹਦੇ ਮਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 80 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਰਨੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੂੰ